विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जा रही जांच। प्रथम चरण के लिए ई डाक मतपत्र डाउनलोड करने का आज अंतिम दिन। भाजपा ने शुरू किया मेरा घर भाजपा का घर अभियान। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर ने कहा जनता की भलाई पहली प्राथमिकता। सुकमा में 53 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अंतागढ़ में बम निरोधक दस्ते ने 6 बमों को किया निष्क्रिय। और जाने माने लोक कवि, लोक गायक और साहित्यकार लक्ष्मण मस्तूरिया का निधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 72 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। नामांकन 5 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं। इस बीच दाखिल नामांकनों की जांच की जा रही है। वहीं इस बार नौकरी पेशा मतदाताओं के लिए ई पोस्टल के जरिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पंजीकृत सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे गए हैं। सेवा मतदाता इन डाक मतपत्रों को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। इसके बाद डाक मतपत्र पर अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम के आगे निशान लगाकर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को डाक द्वारा भेज सकेंगे। प्रथम चरण के तहत ई डाक मतपत्र डाउनलोड करने का आज अंतिम दिन है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मेरा घर भाजपा का घर अभियान की शुरुआत की है। आज इस अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने निजी निवास में भाजपा का झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता दीपावली पर अपने घरों के आगे कमल रंगोली भी बनाएंगे। अभियान में अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने घर में हमारा जो प्रतीक है जिसपे हम गौरव करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान और मेरा घर भाजपा घर आज एक एक कार्यकर्ता 1 नवंबर से 5 नवंबर तक अपने अपने घर में झंडे फहराएगा और ये निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव का विषय होता है। आज मैं आया हूँ, ये मेरा मकान जो विधायक के नाते मुझे अलॉट हुआ था, मैं आज यहाँ पे ध्वजारोहण किया। 4 नवंबर को शाम को 5 से 8 बजे तक कमल दीपावली, जिसमें हर घर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घर के सामने रंगोली कमल का बना के वहाँ दीप सजाएगा और कमल दीपावली पूरे छत्तीसगढ़ में हम सब कार्यकर्ता मनाएंगे। तो इस मौके पर अमर अग्रवाल सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। पार्टी ने पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को भी अपने अपने घरों में झंडा फहराने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर ने कहा है कि जनता की भलाई उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। आज रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री बब्बर ने ये बात कही। हमारा मिशन जनता है, हमारा मिशन यहां के जंगल जमीन और यहां के जनमानस है। हमारा मिशन वही है और उनकी भलाई और उनके हितों की रक्षा करना। राज बब्बर ने कहा कि माओवाद का हल गोली नहीं है, ये बात माओवादियों को भी समझने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो अभाव में होता है, जिसको अधिकार नहीं मिलता, जिसका अधिकार छीना जाता है कुछ ऊपर वाले लोग और ऊपर वाले लोगों की ताकत से, जब उनका अधिकार छीनते हैं तो लोग जो है वो अपना अधिकार पाने के लिए अपने प्राणों की जो आहुति देते हैं और अपने प्राणों को बलि भी देते हैं और वो गलत करते हैं, क्योंकि ना उनकी बंदूक से कोई हल निकलेगा ना इधर की बंदूक से कोई हल निकलेगा। अगर हल निकलेगा तो बातचीत से निकलेगा, उनके जो हुकूक हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको एड्रेस करने से निकलेगा।
इस मौके पर पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक भी मौजूद थी। और अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। चुनाव आयोग ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए 162 प्रतीक चिन्ह जारी किए हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों को इनमें से 3 चिन्ह चुनने का मौका दिया जा रहा है। इनमें से 1 चिन्ह संबंधित प्रत्याशी को आवंटित किया जाएगा। 3 तलाक पर अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केरल स्थित मुस्लिम संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने इस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुजराती समाज की महिलाओं से प्रदेश में टीबी रोग नियंत्रण में सहयोग करने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने उनसे टीबी पीड़ित बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराने की अपील की। राज्यपाल ने इस अवसर पर उनके द्वारा इस दिशा में मध्य प्रदेश में किए गए प्रयासों की जानकारी दी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज रात रायपुर में बसपा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस गठबंधन की बैठक लेंगी। इस बैठक में वे अजीत जोगी से चर्चा करेंगी, साथ ही अब तक की चुनावी गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ कुछ विशेष सीटों पर रणनीति बनाएंगी। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज रायपुर के जिला निर्वाचन कार्यालय में की गई। इस मौके पर जिला निर्वाचन आयोग डॉक्टर बसव राजू एस और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों ने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डॉक्टर बसव राजू ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच में कहीं भी कोई शंका हो तो प्रेक्षकों और चुनाव आयोग से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। दुर्ग जिले में मतदाता जागरूकता के लिए दीप पर्व मनाया जा रहा है। इसके तहत भिलाई में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने मोमबत्ती रैली निकाली और मतदान का संदेश दिया। इस दौरान सभी लोगों ने मिलकर मतदान दीप जलाया। इस मौके पर स्वीप कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों ने लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सरगुजा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता गांधी ने 6 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए उन्होंने कर्मचारियों को पत्र प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। प्रदेश में इन दिनों धान खरीदी चल रही है। खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव ने धान खरीदी का जायजा लेने के लिए कोपरा और पांडुका के खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने धान बेचने आए किसानों से बातचीत कर जानकारी ली, साथ ही इन केंद्रों में काटे गए टोकन का अवलोकन भी किया। धमतरी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर सेहरा डबरी के पास हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से ट्रक में आग लग गई। बताया जाता है कि यह ट्रक रायपुर से धमतरी टायर भरकर जा रही थी। गोदाम पहुंचने से पहले यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर दमकल विभाग और अर्जुनी पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पा लिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रायपुर और दुर्ग गोंदिया कलमना के बीच आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण आज और कल रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। प्रभावित होने वाली गाड़ियों में इतवारी टाटानगर पैसेंजर, इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस, गांधीधाम पूरी एक्सप्रेस, अजमेर पूरी एक्सप्रेस, गोंदिया डोंगरगढ़ मेमू और कुर्ला टाटानगर अंत्योदय एक्सप्रेस शामिल हैं। और अब कुछ खबरें विस्तार से। सुकमा में 11 महिलाओं समेत 53 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। इन सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने पुनर्वास राशि वितरित किए। श्री मीणा ने इन सभी माओवादियों से चुनाव में हिस्सा लेकर मतदान करने का आग्रह किया। इनको बताया भी गया है कि अपना जो इलेक्शन हमारा होने वाला है अभी जल्द में, उस इलेक्शन में पूरा पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट डालने के लिए, अपने मत का अधिकार का पूरी तरह से प्रयोग करने के लिए भी उनसे बताया गया है। इन्होंने जो आए हैं उन्होंने ही बताया कि नक्सलियों की आमद रफ्त अब उनके एरिया में बहुत कम होती है, और क्योंकि गांव में जागरूकता काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो वो अपने लोकतंत्र के जो ये त्यौहार इसको बोला जाता है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे और आगे से किसी भी नक्सल गतिविधि में अपना हिस्सा नहीं लेंगे। उधर अंतागढ़ के कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र के डूडा गांव के पास बम विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मरकानार और डूडा के पास सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी सुरक्षा में बीएसएफ के 50 जवान लगे हुए हैं। ये जवान जैसे ही मरकानार गांव से आगे बढ़े, माओवादियों ने 3-3 बम विस्फोट किए, जिसके चपेट में आने से गश्ती दल के 2 जवान घायल हो गए। इस बीच सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और शेष बमों को विस्फोट होने से पहले बरामद कर लिया। सुरक्षा बल के अधिकारी इंस्पेक्टर दिनेश्वर दुबे ने बताया कि भिलाई से आए बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को निष्क्रिय कर दिया।
इन बमों को निर्जन स्थान में ले जाकर ब्लास्ट कर निष्क्रिय किया गया। प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। एक ओर जहां राजनीतिक दल अपने रणनीति को कार्य रूप में परिणित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। इस बीच प्रदेश के विधानसभा सीटों को लेकर कुछ रोचक जानकारियां भी सामने आ रही हैं। ऐसी एक जानकारी कोरिया जिले से मिली है। कोरिया में 158,649 मतदाता वाले भरतपुर सोनहत विधानसभा के सेराडांड गांव में सिर्फ 4 मतदाता हैं। यह प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस गांव के मतदाताओं के लिए तंबू लगाकर अस्थायी मतदान केंद्र बनवाया है। इस मतदान केंद्र में पहुंचने के लिए मतदान दल को पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ मार्ग और नदी पार करने के बाद 15 किलोमीटर पैदल सफर भी करना पड़ेगा। बताया जाता है कि सेराडांड ग्राम पंचायत चंदाहा का आश्रित वन ग्राम है। 2008 के विधानसभा चुनाव में इस गांव में महज 2 मतदाता थे, लेकिन 2013 से इन मतदाताओं की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2020 के लिए राजनांदगांव में खिलाड़ियों को तराशने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए अमेरिका से बास्केटबॉल कोच अलेक्जेंडर स्टार्लिंग यहां पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि राजनांदगांव को वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी मिली हुई है। इस प्रतियोगिता में 36 देशों की टीम अपने खेल का प्रदर्शन करेगी। इसके मद्देनजर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने कोच अलेक्जेंडर नेशनल इंटेंसिव कैंप में बच्चों को बास्केटबॉल की बारीकियों की जानकारी दे रहे हैं। कैंप में कोच अलेक्जेंडर बच्चों को एडवांस ट्रेनिंग, ट्रबलिंग, पासिंग, शूटिंग और डिफेंसिंग सहित अन्य तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। Eyes up on the basket, body, sideline, eyes here, basket, here, retreat, 1, 2, behind, left hand, here, pound, here, 1, 2, behind, pound. Do we understand? श्री अलेक्जेंडर ने बताया कि शिविर में सभी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और सीखने में रुचि ले रहे हैं। I am here on behalf of Rao and Uganda. They invited me over to the National Intensive Basketball Development Program, and it's actually my second time here. I enjoy being here, obviously being able to share my passion with the kids. The kids here at the academy, they are more than hardworking. Everything I ask of them, they do willingly. They work hard. They give me 110%, 100% of the time, and I couldn't be more proud of where they come along. 14 नवंबर तक चलने वाले इस कैंप में राजनांदगांव जिले के 160 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोक कवि, लोक गायक और साहित्यकार लक्ष्मण मस्तूरिया का निधन हो गया है। बताया जाता है कि लक्ष्मण मस्तूरिया बीते कई दिनों से बीमार थे, लेकिन आज अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। श्री मस्तूरिया का अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही निधन हो गया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी में 7 जून 1949 में जन्मे लक्ष्मण मस्तूरिया चंदैनी गोंदा सांस्कृतिक संस्था के मुख्य गायक थे। सांस्कृतिक जागरण के इस मंच ने कवि लक्ष्मण मस्तूरिया को मानवीय संवेदनाओं से भरपूर उनके गीतों के जरिए छत्तीसगढ़ में आवाज की दुनिया में स्थापित कर दिया। महानदी मैं आज पापेरी तन मन तू भरिया लो, महानदी मैं आज पापेरी तन मन तू भरिया लो, कहाँ जाऊँ बड़ दूर है गंगा, कहाँ जाऊँ बड़ दूर है गंगा पापी है तरोरे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जा रही जांच। प्रथम चरण के लिए ई डाक मतपत्र डाउनलोड करने का आज अंतिम दिन। भाजपा ने शुरू किया मेरा घर भाजपा का घर अभियान। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर ने कहा जनता की भलाई पहली प्राथमिकता।
सुकमा में 53 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अंतागढ़ में बम निरोधक दस्ते ने 6 बमों को किया निष्क्रिय। और जाने माने लोक कवि, लोक गायक और साहित्यकार लक्ष्मण मस्तूरिया का निधन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।